Hi guys, today this is Ati here. Welcome to my channel. Today I will show you the recipe for chicken bhuna, a very easy and tasty recipe. ये vlog हिंदी में होने वाला है दोस्तों. आपको मैं step by step बताऊंगी कि कैसे ये बनाया जाता है. बड़ा ही आसान है. हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एकदम आसान एक चिकन भुना हुआ चिकन का रेसिपी बताने वाली हूँ. ये बड़ा ही आसान है और घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनसे ही बन जाता है. आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वारंटीन में. मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है. मैंने प्याज यहाँ पे बारीक कटे हुए 8 प्याज हैं और यहाँ पे 6 टमाटर हैं जो इस टाइप से कटे हुए हैं. मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है योगर्ट, और यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर और गार्लिक, अदरक और लहसुन का पेस्ट. 6 लहसुन लिए थे मैंने और 1 थंब के साइज़ का अदरक, तो उसका पेस्ट बनाया मैंने मिक्सी में, वो लिया है. यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी, यहाँ पे है जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, मैंने लिया है कसूरी मेथी और किचन किंग मसाला, ये भी 1-1 टीस्पून लेना पड़ेगा आपको. और यहाँ पे नमक जो है स्वाद अनुसार, अगर चीनी की ज़रूरत पड़े तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बाद मैं चीनी भी डालने वाली हूँ इसमें. मैंने यहाँ पे हरी मिर्च या फिर कोई भी तरह की मिर्च नहीं ली है, क्योंकि ये मैं अपने बच्चों के लिए भी बना रही हूँ. बिना मिर्च डाले भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है. और मैंने यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं, गरम मसाले, 6 लवंग, 5 इलायची, 3 तेज़पत्ते और आधा ये 1/4 सिनेमन स्टिक है. और मैंने यहाँ पे लिया है अमूल का घी जो मैं 2 टेबलस्पून डालने वाली हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं भुना चिकन. आप देख सकते हैं अभी कि मैंने इसमें सारे जो 8 बारीक कटे हुए प्याज थे डाल दिए हैं, और अभी इनको आप तलिए जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए. ये ब्राउन हो जाना चाहिए, कलर हल्का ब्राउन कलर हो जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें टमाटर डालेंगे. अभी आप बारीक कटे हुए टमाटर डाल दें. इसमें मैंने ऑलरेडी 3 टेबलस्पून घी डाल दिया था. और ये है अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था मिक्सी में, वो डाल दो. अभी आप देख सकते हैं कि ये भुन चुका है. ये पेस्ट है टमाटर का, अदरक लहसुन पेस्ट और जो खड़े गरम मसाले थे और प्याज जो कि मैंने भून लिया है. और आप ये थोड़ा लो आँच में पकाएंगे. उसके बाद मैं देने वाली हूँ आधा टेबल स्पून हल्दी, आधा टेबल स्पून जीरा पाउडर, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून किचन किंग मसाला, और ये अच्छे से आप मिलाइए. अभी आप ये जो सारे चिकन पीसेस हैं ये डाल दें और फ्राई करें. अच्छे से फ्राई करें ताकि मसाला अच्छे से चिकन पीसेस में लगे. अभी आप आधा चम्मच नमक डालें, और अभी देखिए चिकन का कलर जो है वो चेंज हो रहा है. चिकन फ्राई हो चुका है और सारे मसाले जो हैं वो लग चुके हैं चिकन में. अभी आप इसे थोड़ा और तलें. और जो दही है बीटन योगर्ट डालें इसमें. मैंने 1 कप दही डाला है और अच्छे से उसे ऐसे अब डाल दें. ये
ये एक कप दही है जो आप डाल दीजिए। अभी आप इसे अच्छे से मिलाइए, धीमे आंच पे आपको पकाना है, नहीं तो दही आप देख सकते हैं मैंने दही अच्छे से मिला दिया है इसमें और मैं इसे पका रही हूँ धीमे आंच पे। ना ना ना। अभी आप चिकन को ढक दें, ये देखिए ऐसा है चिकन, अभी आप ढक दें अभी और धीमे आंच पे इसे पकने दें। मैंने और मैंने स्वाद के लिए नमक ऑलरेडी डाल दिया है, बट अगर आपको और डालना है तो फिर आप और भी डाल सकते हैं। इस व्यंजन में पानी नहीं डलता क्योंकि पानी, दही भी पानी छोड़ रहा है और चिकन का खुद का भी है जो कि वो पानी छोड़ रहा है। तो आप अभी इसे धीमे आंच पे 10 मिनट तक पकाएं, एकदम धीमे आंच पे, चिकन जल्दी पकता है। तो भुना चिकन रेडी हो चुका है, हमने इसे जीरा राइस के साथ खाया, आप इसे रोटी या नान के साथ भी खा सकते हैं। Hope you enjoyed this recipe. Please try at home and share and subscribe and like. Goes a long way.